विपश्यना ध्यान साधना साधक को आत्मनिर्भर बनाती है। विपश्यना ध्यान साधना टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, समय का प्रबंधन। विपश्यना ध्यान साधना लाइफ मैनेजमेंट सिखाती है, जीवन का व्यवस्थापन सिखाती है, जीवन की व्यवस्था कैसे हो यह सिखाती है। और आप में क्या हुनर है, आप में क्या कला है, यह विपश्यना विद्या सिखाती है। विपश्यना ध्यान साधना में गंभीरतापूर्वक साधक अपने जीवन को इतिहास यानी कि भूतकाल भी देखता है और भविष्य में क्या करना है यह भी देख पाता है और वर्तमान में जीना सीखता है। गुरुदेव कहते हैं ना, धन्य भाग साबुन मिली निर्मल पाया नीर, आओ धोए स्वयं ही अपने मैले चीर। धन्य भाग साबुन मिली निर्मल पाया नीर, आओ धोए स्वयं ही मन के मैले चीर। कबीर दास जी एक जगह कह गए ना, जस की तस धर दीनी चुंदरिया, चुनरिया झीनी रे झीनी। जिस चुनरिया की बात कर रहे हैं, यह जीवन ही एक चुनरिया है और इसको बेदाग परमात्मा को वापस लौटाना यही तो मानव जीवन है। तो गुरुदेव कहते हैं धन्य भाग साबुन मिली, यानी कि ये धर्म विपश्यना का जो धर्म है वो हमें बहुत बड़े पुण्य पारमी की वजह से, अनेक जन्मों की कहीं ना कहीं पुण्य पारमी थी है जो कि अभी फलद्रुप होकर हमें विपश्यना जैसी साबुन मिली। निर्मल पाया नीर, जो समय है, जो वहाँ का ध्यान साधना के लिए गए, वहाँ हमारा शिविर है, वो निर्मल पाया नीर है। और आओ धोए स्वयं, कौन दूसरा धोने वाला है, मन का ऑपरेशन है, मन से करना है, अपना ही ऑपरेशन है, हमें ही करना है, मन से मन का ऑपरेशन करना है। गुरुदेव कहते हैं और मैले चीर क्या है, पूर्व के जो जो विकार मन में संग्रहित हुए हैं, मन में जिन विकारों का मैल इकट्ठा हुआ है, उस मैल को उतारना ही विपश्यना ध्यान साधना है। मैंने कहा ना पहले, टाइम मैनेजमेंट। टाइम क्या है, जीवन ही तो टाइम है, टाइम ही तो जीवन है, इससे बहुमूल्य और कोई चीज़ नहीं है। किसी को आप कुछ भी दान में दे, उससे ज़्यादा अनमोल यह है कि किसी को आप अपना एक क्षण दान में दे रहे हैं। और गुरुदेव तो साधक के समय के बारे में इतना ज़्यादा एकदम सीरियस रहते हैं, गंभीर है कि साधक का एक क्षण भी वहाँ का, आपके वास्तव्य का एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, इसकी गुरुदेव ने व्यवस्था कर रखी है। तो इतना अच्छा अवसर है। तो टाइम मैनेजमेंट वहाँ जाके व्यक्ति सीखता है कि सही में मैं समय का आज तक सदुपयोग कर पाया हूँ क्या, और आगे समय का सदुपयोग मैंने कैसे करना चाहिए। विपश्यना का साधक एक बार साधना सीख के आए के बाद कहीं समय व्यर्थ नहीं गमाएगा, वह अपना हर क्षण किसी काम में आ जाए, इसके लिए बहुत सतर्क हो जाता है। यही तो टाइम मैनेजमेंट है। और वह टाइम मैनेजमेंट में देखता है कि मेरे हर क्षण का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम रिटर्न कैसे मिले, मुझे मिले, समाज को मिले, राष्ट्र को मिले, या और किसी परोपकार में लगे, यही वो साधक देखता है। तो यह इससे बड़ा टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ का मैनेजमेंट भी वहाँ पर सीखता है कि हमारा जीवन किस तरह उपयोग मिला है। टाइम मैनेजमेंट तो लाइफ मैनेजमेंट ही है। तो हमारे पास के जो भी रिसोर्सेस है, जो भी कला है, जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारा समय है, जो भी हमारा पुरुषार्थ है, जो भी हमारे कार्य करने की क्षमता है, उसका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार में कैसे करें। और परोपकार बिना स्वार्थ के तो क्या परोपकार होगा। गुरुजी बोलते हैं ना,
बहुत स्वार्थी बनो। स्वार्थी बनो का मतलब है कि जो हमारे पास है उसका मैक्सिमम जो आउटपुट आ सकता है वह हम अगर ले तो यह स्वार्थी होना हुआ। इसमें स्वार्थ की वैसे बदबू जैसी चीज़ नहीं है, यह स्वार्थ की खुशबू है जो परोपकार से पूर्ण तरह भरी हुई होती है। इसमें गुरुदेव एक बार साधक पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए साधक ने, तो गुरुदेव उसमें उस वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहते। वे कहते हैं अभी समय तो ध्यान साधना की बात करने का है, अभी आगे देखेंगे। तो गुरुदेव वह बात टाल जाते क्योंकि साधक को स्वयं ही ध्यान में आता है कि मैं किस प्रकार का भोजन ले रहा हूँ। अगर कोई जो शाकाहार नहीं ले रहा है, मांसाहार ले रहा है, तो वह मांसाहार उसका ऑटोमेटिक छूट जाता है, बगैर बोले ही छूट जाता है। किसी को उसको बोलना नहीं पड़ता क्योंकि वो देखता कि यह जो मैं आहार ले रहा हूँ, जो भी आहार, मांसाहार ही नहीं, जो भी आहार मैं ले रहा हूँ, चाय लो, कॉफ़ी लो, और भी किसी को कुछ नशा होगा वो लेता होगा, तो वो देखता है कि इन चीज़ों से मेरे ध्यान में व्यवधान उत्पन्न होता है। जो ध्यान मैं चाहता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे शांति मिले, मैं सर्वोच्च प्राथमिकता मेरे ध्यान को देता हूँ, साधक देने ही लगता है जीवन में, तो फिर वह देखता है इन इन बातों से मेरे ध्यान में व्यवधान आता है। शारीरिक काया में मैं स्थिर नहीं रह पाता हूँ या मन मेरा विक्षिप्त हो जाता है विकारों के वजह से, तो वह वैसे वैसे आहार छोड़ देता है। उसके लिए विशेष अलग से किसी ने बोलने की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन करती है साधना कि तुमने क्या आहार लेना चाहिए, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसा विहार होना चाहिए। आप अपने आप ही स्वयं को करेक्ट करते हैं। दूसरा कोई करेक्ट करने लग जाए ना तो हम उसे ज्यादती समझते हैं या उसे हम हमारे व्यक्ति स्वातंत्र्य पे आक्रमण समझेंगे। लेकिन जब साधना में बैठकर साधक ढूंढने लगता है अपने विचार को, अपने बुद्धि को, जब वह एक प्रकार से परखने लगता है, कानस पे घसने लगता है, जैसे सोना परखा जाता है ना आग में भूनकर और के पत्थर पर घसकर, इस प्रकार साधक का जीवन, बुद्धि, साधक का विचार, साधक का शरीर वहाँ अपने आप साधना में तप कर निकलता है, कुंदन बनता है, तो वहाँ समझ में आने लगता है उसे कि क्या करना वांछनीय है, क्या अवांछनीय है। और अवांछनीय जब जब वो करने जाएगा, शील, समाधि, प्रज्ञा का जब जब कहीं भंग हो जाएगा, होते रहता है, क्योंकि हम अभी तक तो बोधिसत्व की अवस्था तक या बोधि की अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं, सोतापन्न भी नहीं है, तो हमारे हाथ से जो भी भंग हो जाएगी, शील हो, कोई लॉ हो, कोई सामान्य नियम हो, तब तब, या किसी को हमने दुखी किया हो, तब तब हम देखेंगे कि ध्यान को बैठेंगे जब वह हमारे साधना में हमें अवरोध उत्पन्न करता है, साधना में हमें एक प्रायश्चित जैसा भाव आने लगता है, तो साधक कहता है कि ऐसा समय व्यस्त हो रहा है तो मैं अब दूसरी बार सतर्क रहूँगा, मेरे बिहेवियर से, मेरे किसी कार्य से शील, समाधि, प्रज्ञा का भंग न हो, यह देखूँगा। फिर भी होते ही रहता है बार बार जीवन में। हम जब एक फैमिली मेंबर है, एक कुटुंबवत्सल प्राणी है और इस जगत में रह रहे हैं, अभी हमने सोतापन्न अवस्था नहीं प्राप्त की है, आगे की अवस्थाएं नहीं प्राप्त की है, तो हमारे हाथ से भूलें होती रहती है जाने अनजाने, तब तब साधक साधना में बैठता है। प्रायश्चित तो गुरुदेव ने कहा है ना कि धर्म में पूर्वताप पश्चाताप नहीं होता, तो सच है, लेकिन जब मन किसी कोई गलती कर देता है तो उभर कर कांटों की तरह सामने आती है, बड़े बड़े कंकरों की तरह साधना में सामने आती है, उसमें समय जाता है साधक का, तो साधक फिर जीवन में जब वैसे वैसे घटनाएं आएगी तब सतर्क हो जाता है और शील, समाधि, प्रज्ञा का पालन करने की पुरजोर कोशिश करता है। तो इस प्रकार साधक क्या पढ़ना है, अब साधना कर रहा है तो गुरुदेव कहते हैं ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना साधक के लिए जब गंभीर शिविर कर रहा है तो अनावश्यक है, नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसी में व्यर्थ का समय बर्बाद हो जाता है। वैसे ही हम भी देखते हैं, फिर साधक ऐसा टीवी देखने में, सीरियल देखने में, या कोई नाच गाना देखने में, या किसी चित्रपट देखने में कभी समय व्यस्त नहीं करता। वह देखता है कि मेरा समय या तो शारीरिक कसरत करके मैं मेरे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखूँगा, ध्यान साधना करूँगा। गुरुदेव ने तो कितना अच्छा आलम्बन दिया है ना, हमारा समय कहीं, साधक का समय व्यर्थ जाने की एक तिल भर की भी संभावना इसलिए नहीं है। तिल अभी संक्रांति है ना, इसलिए तिल का शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। क्यों?
कि गुरुदेव ने हमें जहाँ बैठे हैं वहाँ साधना करना सिखा दिए, किसी का वेट कर रहे हैं या हमारे पास खाली समय है तो हम क्या करेंगे साधना में, ये या तो सांस को देखेंगे जानेंगे या फिर शरीर की संवेदना जानेंगे, खुले आँख जानेंगे, यानी कि साधक का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। और साधक ऐसा क्षण कर व्यर्थ न जाए तो साधक मन में बहुत बड़ा समाधान रहता है। साधक के मन में जब आदमी का सबसे बड़ा दुख मुझे कब होता है, जब मेरा समय व्यर्थ बर्बाद होने लगता है या समय किसी कारण से फिजूल में जाने लगता है। तो ये फिजूल में जाने का कोई कारण ही नहीं है समय का, तो पश्चाताप भी नहीं, पूर्वताप भी नहीं। जहाँ बैठे हैं साधना याद आ गई और हम साधना करने लग गए, यानी कि हमने सांस संवेदना देखने लग गए, इतना मन स्थिर हो जाता है, हर समस्या का समाधान भी मिलता है और हमारा समय भी व्यर्थ नहीं जा रहा। इसका भी एक बहुत बड़ी शांति, एक बहुत बड़ी एक निश्चलता मन में आ जाती है और मन बिल्कुल समाधानी हो जाता है। तो इसलिए आवश्यक है साधक को कि जब भी लगे कि है खाली समय है तो सांस या संवेदना देखने लग जाए। इसलिए साधक का पढ़ना भी क्या हो जाता है, मुझे उपन्यास, ऐतिहासिक संदर्भ, ऐतिहासिक कादंबरियाँ पढ़ने की बहुत आदत थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि जब भी मैं ऐसी कोई चीज़ पढ़ लेता हूँ तो फिर वो ध्यान में बैठता हूँ तो वही रंगमंच पर आना शुरू हो जाती है, मन पटल पर वही बातें आने लग जाती है, चाहे राजकारण का पढ़ो चाहे और किसी चीज़ का पढ़ो। तो फिर मैंने ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐतिहासिक बातें पढ़ना रोक दिया है। जहाँ बहुत आवश्यक है मेरे व्यवसाय के हिसाब से वहीं मैं वहाँ पढ़ता हूँ माहिती, या उस माहिती का विचार करता हूँ, उस माहिती के बारे में ढूंढता हूँ और उसको पढ़ता हूँ, या वैसी ही न्यूज़ देखता हूँ। नहीं तो ये सब व्यर्थ लगता है, क्योंकि यह व्यर्थ की झंझट हम मोल ले रहे हैं जिसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। जैसा गुरुदेव कहते हैं इस दुनिया में इतना ज्ञान है, जब आइंस्टाइन ने भी एक कंकर उठाया रेत का एक और समुद्र तट पर, कहा वैज्ञानिक ने कि मेरा ज्ञान सिर्फ इस कंकर के जितना है, इतना ज्ञान इस पूरी दुनिया में है। तो जो ज्ञानी है उसी को अपनी अज्ञानता का पता लगता है। तो इस प्रकार मैं भी देखता हूँ, गुरुदेव कहते हैं ना अब चाँद कितना दूर है, चाँद ऐसा क्यों है, पृथ्वी वैसी क्यों है, उसका अंतर कितना है, ये तुम्हारे दैनंदिन जीवन में, जीवन यापन में, आपके रोजी रोटी की कमाई में जो चीज़ आवश्यक है उसका पूरे पूर ज्ञान रखो, बहुत ज्ञान रखो, उसमें बहुत विचरण करो। लेकिन जिनका तुम्हारे से कोई संबंध नहीं है, अब जहाँ जाना है उस चीज़ का ही ज्ञान ले लिए। जैसे दो कदम देखे ध्यान में, हम क्या करते, दो कदम चार कदम दृष्टि डाल के देख लेते हैं और चलने लग जाते हैं। उतना ही बैटरी का प्रकाश जोत मारना चाहिए या जो हमारे टॉर्च हाथ में उतना ही मारना चाहिए जितने की आवश्यकता है जीवन में, वरना तो ये व्यर्थ का बोझ है। और ज्ञान, ये जो दुनियादारी का ज्ञान है, हर समय हर क्षण बदलते रहता है, नियम बदलते रहते हैं, उनमें अनेक उपनियम आ जाते हैं, यानी कि लॉ भी बदलते रहते हैं। तो इसलिए साधक ने उसमें ज़्यादा मन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हर क्षण बदलने वाली चीज़ों का कितना ज्ञान रखेंगे। ज्ञान तो हमें यही रखना है साधना के विषय में, जितना पढ़ने आता, जब भी पढ़ना लगे आपको साधना का, गुरुदेव ने इतना भंडार बना रखा है हमारे साहित्य का, पाली भाषा का, और भगवान बुद्ध के 84,000 उपदेशों का, तो चाहे हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी मराठी में पढ़िए, किसी भी भाषाओं में आप अपनी भाषा में पढ़िए, गुरुदेव के अनेक ऑडियोज़ है, कहाँ कहाँ उन्होंने प्रवचन दिए वे सब सुनिए, कितना साहित्य है इसमें ही रम्मानगर हुए तो यह आपके शील समाधि प्रज्ञा में, ध्यान साधना में बहुत मदद करेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि इस विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट ले। जो लोग आर्टिस्ट है, कलाकार है, लेखक है, डॉक्टर है, मैनेजर्स है, इंजीनियर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योजक है, उनको यह साधना विशेष एकांत का लाभ कराती है। जब गुरुदेव के निर्देशानुसार अगर वे काम करने लग जाए तो उनकी कला में, उनके कौशल्य में, उनके ज्ञान में अफाट वृद्धि होगी। जो जो ज्ञान उनका आज तक का संग्रही थे उसे उन्हें मालूम ही नहीं है, वह फिर से फेरा जाएगा, उसमें फिर से निखार आ जाएगा। और कला कौशल्य में तो चित्रकार हो, गायक हो, या फिर संगीतकार हो, या फिर कोई राइटर हो, उसे तो पूछो मत, साधना से इतना लाभ मिलेगा कि वो उसकी साधना, उसकी जो कला है, उसका जो कौशल्य है, कोई वक्ता है तो उसकी जो वाणी है, यह
अलौकिक हो जाएगी या लोकोत्तर हो जाएगी। जो जो वो साधना को जाएगा 10-12 दिन का एकांत और दीर्घ शिविर कर किया तो उसका एकांत या उसमें उसका जो मन का अभ्यास है वो इतना अच्छा हो जाएगा। जो गुरुदेव ने निर्देश है साधना के दौरान तो वही करना है, अपनी कला के बारे में, अपने कौशल के बारे में, अपने जो करियर के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में नहीं सोचना है। साधक ने हर वक्त ध्यान गुरुदेव के निर्देशों पर रखना है।